एक मिनट एक मिनट मैडम ठीक ठीक सामने सही सामने 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 सही उस साइड से दीजिए उस साइड से आओ मैं जोगिंदर भाई से ये है ना मुकला मैंने मुकला है ना फोटो खींचा है कोई बात नहीं हीना मैडम को बुलाए हैं और यहाँ यहाँ की जनता से अपील कर रहे हैं लोग कि हीना मैडम को जिताएं और पूरा सपोर्ट करें। सिवान की पूरी जनता निर्दलीय प्रत्याशी हीना साहब के साथ है, इसी में हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एक ही नाम आ रहा है, केवल निर्दलीय प्रत्याशी हीना साहब। यहाँ की जनता विकास देख रही है, जो 15 सालों में विकास नहीं हुआ है सिवान। मतदाताओं का विश्वास हीना साहब के प्रति बढ़ा है आपको? हाँ हाँ, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आप लोगों का स्वागत है मीडिया बंधु का। हीना साहब किसी के पर्चे के मोहताज की भी नहीं है, ठीक है ना। सारे लोग इनको जानते हैं, अच्छी प्रत्याशी हैं और तन मन धन से सारे लोग मिलके इनको वोट दिया जाए, तो ये हमारा विनती, यही मेरा पास रखना है। आप सार्वजनिक जीवन में खुद एक प्रत्याशी रहे पूर्व में, अनुभव भी काफ़ी है, क्या लगता है कि इस बार मतदाताओं का रुझान हीना साहब के प्रति क्यों है? क्यों है? विकास के मुद्दे पे है, अच्छे काम के लिए है। इस बार जनता ने मन बना लिया, मन बना लिया जनता। आज के इस सभा के आयोजित करने वाले जी यहाँ हरेंद्र जी कहाँ हैं? बाहर हैं। हरेंद्र जी यहाँ उपस्थित है, सभी मीडिया, हमारे मीडिया भाईगण और हीना मैडम आपके बीच में आई हैं। आप लोग फतेहपुर में
इसलिए मेरा यही अनुरोध है आप सभी से कि फतेहपुर का सम्मान रहना चाहिए ना, फतेहपुर का सम्मान रहना चाहिए। और फतेहपुर में अगर हम लोग फेल करेंगे तो हमेशा के लिए हम लोग की बदनामी होगी, क्योंकि हम लोग खुद फतेहपुर में रहने वाले हैं। गुड्डू जी, अरिंदर जी, आप क्या है ना, आप तो ये है तो मैडम आई है तो मैडम का सम्मान रखना है। आई को भारी मतों से इस बार विजयी बनाना है, इस बार एकदम उलट फेर कर देना है। एक बार तो हम लोग देखे हैं, आप जनता देखे एक बार क्या होता है, एक बार देखने के लिए एकदम पुराने लाइन पर ही सभी कोई चल रहे हैं, तो पुराने लाइन से हट कर भी एक दूसरा लाइन पर एक बार चल के देखना चाहिए, है ना। पुराने लाइन पर चलने से कोई फायदा हो नहीं रहा है। और मैडम है तो साहबीन साहब थे माननीय हमारे विकास न्यूज से, तो उनके कामों को इन्होंने देखा है से वो कैसे काम करते थे। इनको और कोई दूसरा लोभ लालच नहीं है, इनको सिर्फ है कि जनता के बीच में जनता को हम जितना मतलब कि सहायता कर सकें, जितना जनता को हम पहुंचा सकें सारी सुविधाएं, उसी के लिए ये घूम रही है। इनको अपने लिए कोई लालच लोभ लालच नहीं है कि हम मंत्री बनेंगे या हम विधायक बनेंगे, ये सिर्फ जनता के लिए घूम रही है, जनता को ज्यादा से ज्यादा मतलब सुविधा मिले इसके लिए ये घूम रही है। इसीलिए सभी फतेहपुर वासियों से मेरा ये अनुरोध है, कहना है सभी लड़कों से, सभी बुजुर्गों से कि ये आई है और इनका सम्मान फतेहपुर में होना चाहिए, बढ़िया से सम्मान होना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हम लोग का भी सम्मान रहे। लोग ये नहीं कहे कि आपके मोहल्ले में आई और खाली हाथ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 90 के दशक में आप साबिदीन साहब अपील रहे किसी बार की जनता से, अपील यही रहे कि मैंने बहुत सेवा किया है, ऐसे बात नहीं है, और साहब के बदौलत ही किया है, साहब ने ही हमें सम्मान दिया था, साहब ने ही सम्मान दिया था। इस बार मैडम है उनकी पत्नी सम्मानित, हम लोग आज भी हैं इनके साथ और आगे भी रहेंगे, सम्मानित हम लोग आगे भी रहेंगे। तो आज जो इनको हम लोग को मदद करना है, किस ढंग से मदद करना है, ये मीडिया के लोग भी थोड़ा हम लोग को मदद करें ना। महिलाओं का एक बड़ा ज्यादा अपील करेंगे, महिलाओं के लिए अपील है कि एक महिला का सम्मान पूरे समाज की महिला का सम्मान होता है ना, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं अगर भोज करती हैं तो सारी आज चैती संसद की आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं का आधी आबादी महिलाओं का है और आधी आबादी को आज हीना मैडम सबको सम्मानित करेंगी, सभी महिलाओं को सम्मानित करेंगी, यह महिला कोई आई नहीं है आज। आप खुद एक सार्वजनिक पद पर नहीं है आपको, मेरा तो आश्वासन, मेरा तन मन धन मेरा सारा जीवन इनके लिए समर्पित है, जितना हमसे हो सकेगा मैं करूंगी और इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाकर हम लोग भेजेंगे, ताकि हम सभी महिलाओं का पुरुषों का सबका सिवान का सम्मान बन जाए, और सिवान के जो सुविधा है विकास का वो विकास यहाँ पर साहबीन साहब का जो छोड़ा हुआ जो विकास है उसको ये पूरा करें। आपकी सक्रियता कैसी है मैम, आप कम दिखाई दे रही हैं। और थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, सक्रिय तो हम हैं ही, जहाँ पर है वहीं पर सक्रिय है। बंधु हमारी कृष्णा दीदी अनीता सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी को आदाब प्रणाम करती हूँ। बहुत कुछ तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं यही सिवान जिला की बेटी ही हूँ और सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी पहचान है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब की अर्धांगनी हूँ और उन्हीं के परछाई पे मैं चल रही हूँ उनके सिद्धांतों को लेकर। ये अलग बात है कि उन्होंने बहुत सारी जो योजनाओं के साथ उन्होंने विकास किया है उस पर मैं थोड़ा थोड़ा चलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप लोगों के बीच में आकर, आप लोगों के घर के आंगन में आकर, हर जगह मेरा अपना घर है। मैंने एक ही बार कहा था कि सिवान जिला हमारा परिवार है और यहाँ के सारे रंग हमारे हैं, तो सारे रंग का मतलब है कि सारे रंग, सब लोग जैसे हमें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मुझे भी सभी को आगे बढ़कर सम्मान देना है।
अगर मैं ये इस पर मैं खरी नहीं उतरी तो फिर मैं अपनी जुबान की पक्की नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत वसूल के और जुबान के पक्के लोग हैं, जितना कहेंगे उतना जरूर करेंगे। सभी लोगों के, सभी बड़ों के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, छोटों के दुलार प्यार में कमी नहीं आएगी, और जो भी समस्याएं होंगी हम लोग सब मिलकर बांटेंगे, सब मिलकर दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं रहती हैं, बहुत लोग आगे नहीं आते हैं, लेकिन मुझे हर जगह आगे रहना है, क्योंकि मैं, मेरा घर है, मुझे कहीं भी आने जाने में संकोच नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ सभी लोग सहयोगी के रूप में आगे बढ़ेंगे और हम लोग सिवान जिला को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। ये चुनाव जीतना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये चुनाव जीतना और विकास को डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि देना है, तभी हम लोगों के मन में चैन और सुकून आएगा कि हम लोग उनके पदचिन्ह पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। और सभी बड़े बुजुर्ग को फिर से मैं आदाब प्रणाम करती हूँ, बच्चों को साथ में दुआएं भी, स्नेह भी, प्रेम भी।